नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एपिसोड का ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। 7 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश वालों के लिए अपलोड किए गए हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, और हिंदी के तो बहुत सारे प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं क्योंकि हिंदी इतना उनको भी समझ में आता है। तो यहाँ पर टीचिंग एपिट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और आपको कंटिन्यू यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अभी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा क्योंकि इंग्लिश से डिमांड हो रही थी। तो ये प्रैक्टिस सेट 8 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट जो लर्नर हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए लर्नर को, ये सारी चीज़ें यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को पेडागोजी में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का डाई ब्रेन यहाँ पर किसे कहा जाता है, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चूँकि यहाँ पर ये TLM का पार्ट है, कंप्यूटर जो है आपका TLM का पार्ट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज होता है, इसीलिए इसको टीचिंग एपिसोड में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहते हैं, तो इनको भी हम लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्नेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज। जो कॉग्नेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग है, कॉग्नेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है टीचिंग का, किन्होंने दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दिया है NL GEG ने, NL GEG, याद रखिएगा नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट्स द अब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग। जो इंस्ट्रक्शन मीडियम है ये अफेक्ट करता है द अब्सेंस, जो अब्सेंस होता है उसको, एस्केप फ्रॉम द क्लास टीचिंग। अग्रीड, इंडिफिनिट डिस्चार्ज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अग्रीड। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गुड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, क्लैरिटी ऑफ थाट्स, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग इन अ माइल्ड ट्यून, या फिर स्पीकिंग विदाउट पॉज। सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन के लिए वो है क्लैरिटी ऑफ थाट्स। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग के लिए यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित में एक अप्रोच है, मेन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, बोथ ए बी दोनों, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए बी, मेन पावर अप्रोच होना चाहिए, सोशल डिमांड अप्रोच भी होना चाहिए एजुकेशनल प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होता है वो आधारित होना चाहिए एम्स एंड नीड्स पे, टाइम टेबल, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर नीड, आवश्यकता पर। तो जो प्लानिंग होता है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, ये आधारित होना चाहिए एम और नीड्स पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कोई उद्देश्य होना चाहिए और उसकी कुछ आवश्यकताएं भी होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। स्कूल मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, ये लाइज करता है प्रिंसिपल पर, टीचर्स पर, मैनेजर पर, ऑल ऑफ दी अबव पर। तो ये प्रिंसिपल पर राइज करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज। जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है स्कूल डिसिप्लिन का, स्कूल का अनुशासन का, वो क्या होता है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट कंडक्सिव फॉर टू अ टीचिंग, बोथ ए बी। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए बी, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट कंडक्टिव फॉर टीचिंग, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड एट। जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज नॉलेज होता है लैंग्वेज का, लर्नड एट, सीखा जाता है कहाँ पर, स्कूल में, लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज टीचिंग में, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, किसके द्वारा। तो ये जो है आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल नॉलेज सीखा जाता है लैंग्वेज का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है दोस्तों, ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स ड्रॉपिंग आउट, जो बच्चे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, फ्रॉम स्कूल मीन्स इसका मतलब क्या है? टू कम टू स्कूल कैजुअली, टू लीव द स्कूल फॉर एवर, टू प्ले ट्रेंट फ्रॉम क्लास, नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका मीनिंग होगा? 43 का यहाँ, टू लीव द स्कूल फॉर एवर, सदा के लिए जो स्कूल छोड़ देते हैं उनको ड्रॉपिंग स्टूडेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टाइम टेबल, एक अच्छे टाइम टेबल का सिद्धांत कौन नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी, रूथलेस मास्टर, वैरायटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर है रूथलेस मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रीज़न ऑफ अब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल। देखिए, स्कूल में अगर अब्सेंस होता है उसका कारण, और जो एस्केप कर जाते हैं स्कूल से इसका कारण क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्कूल सिलेबस, सिलेबस में इंटरेस्ट का पिछड़ापन, रुचि का पिछड़ापन, पुअर मेथड ऑफ टीचिंग, इन इफेक्टिव टीचर, ऑल ऑफ द अबव। रीज़न क्या हो सकता है? सारे रीज़न हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव रीज़न हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, डिसीजन मेकिंग इज, स्कोप क्या है डिसीजन मेकिंग का? मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग का स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी इज, पर्सनैलिटी का फैक्टर क्या है? डक्टलेस, ग्लेंस, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा कारक यहाँ पर पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का है? तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा, सारी चीज़ें होंगी इसमें शामिल। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स इज डिस्कस्ड इन अ टीचर्स डायरी, कौन सा आस्पेक्ट है जिसको टीचर का डायरी में डिस्कस किया हुआ रहता है? क्लास टाइम टेबल, टीचिंग कंटेंट, ए बी दोनों, नन ऑफ द अबव। बोथ होगा, ए बी दोनों होगा, क्लास टाइम टेबल भी होता है, टीचिंग का कंटेंट भी होता है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। जो 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? 10+2 यानी कि पहले मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट और 3 साल का ग्रेजुएशन, ये वाला सिस्टम जो था कोठारी कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विद एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस बट फर्टाइल इन्वायरमेंट विल अचीव अ बेटर लाइफ एंड एवरेज लाइफ, नथिंग इन लाइफ, एवरी थिंग इन लाइफ। करेक्ट आंसर होगा अ बेटर लाइफ। क्वेश्चन 56 देखिएगा, सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर द चिल्ड्रन, जो सिबलिंग्स होते हैं, पेरेंट्स टीचर होते हैं, ये इम्पोर्टेंट सोर्स हैं बच्चों के लिए, किस लिए? मोटिवेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियंस के लिए, या फिर एटीट्यूड्स के लिए। तो मोटिवेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, ओपिनियंस भी मिलता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर मोटिवेशन होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू मेमोराइजेज, मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू रीड लाउडली, टू राइट द कॉन्सेप्ट। तो 61 का यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स लाइक दैट टीचर हु, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, पसंद करते हैं वैसे टीचर को जो कि हैज़ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जिनका पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो, बिलोंग्स टू हिज हर कास्ट, उनके जाति से संबंध रखता हो, अवार्ड्स गुड वर्क लेबरली, हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, जिसका होगा उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी
विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने के साथ द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी, जो टीचर का रोल होगा भविष्य में किस तरह का होगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू डेवलप न्यू टेक्स्ट बुक, टू गाइड स्टूडेंट्स टू यूज़ इंटरनेट इन टीचिंग। तो फ्यूचर में जो टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होगा वो होगा टू गाइड स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एज गुड सिटीजन अ टीचर शुड। स्टूडेंट्स को एक अच्छे नागरिक के लिए प्रिपेयर करने के लिए टीचर को चाहिए, कि टीचर को क्या चाहिए, प्रोवाइड गुड लीडरशिप, तो उनको अच्छा लीडरशिप मिलना चाहिए जिससे वो अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रिपेयर हों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स शुड बी गिवन होमवर्क टू। स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाना चाहिए, किस लिए दिया जाना चाहिए, स्टडी एट होम, घर में पढ़ने के लिए। चेक देयर प्रोग्रेस बाय टीचर्स, उनका प्रोग्रेस क्या हुआ है उसको चेक करने के लिए। कीप देम बिजी, उनको बिजी रखने के लिए। डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, उनमें सेल्फ स्टडी का जो आदत है उसको डेवलप करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, उनमें सेल्फ स्टडी का जो आदत है उसको बढ़ाने के लिए होमवर्क दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। स्कूल के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है क्या, प्रिंसिपल एंड टीचर, स्टूडेंट्स, गुड बिल्डिंग, अदर्स फैसिलिटीज। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ऑप्शन बी होगा, स्टूडेंट्स। स्कूल के डेवलपमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आएंगे टीचर और प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट कम्स लेट इन क्लास देन यू। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में लेट आते हैं तब आप क्या करेंगे, विल इग्नोर हिम, उसको इग्नोर करेंगे, विल नॉट अलाउ हिम टू सीट इन क्लास, क्लास में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, विल पनिश हिम, उसको दंड देंगे, विल अलाउ हिम टू सीट साइलेंटली, अलाउ करेंगे लेकिन साइलेंटली बैठने के लिए। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी होगा, विल अलाउ हिम, उनको अलाउ करेंगे टू सीट साइलेंटली, चुपचाप बैठने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो है इसका पर्पस क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, टू रिव्यू द एजुकेशन, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए यहाँ पर 68 का जो आंसर होगा, टू रिव्यू द एजुकेशन, ये पर्पस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, NPE का। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही रखते हैं, ये सेट आपका 8 है, 9 भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। चाहे BEd एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हो, या फिर नेट में भी एक पेपर रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, धन्यवाद आपका।